हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में उसी के आगे एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इसके पहले आपको उत्सर्जन बताया था क्या होता है, अब हम बताते हैं उत्सर्जन को कौन कौन से अंग करते हैं, यानी उत्सर्जन की क्रिया को करने में सहायक अंग जिन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कि सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। आपको पता है जितने भी जीवित हैं यानी जो भी सजीव हैं वो अपने शरीर को चलाने के लिए अनेक प्रकार की उनके शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, और वो रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं सजीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन पर आधारित होती हैं। क्योंकि सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो सजीव ऊर्जा की पूर्ति के लिए भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन ग्रहण किए गए भोजन को पचाने के लिए अनेक प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं और उपापचय क्रियाएं यानी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या है कि इन क्रियाओं के समय यानी उन्हीं जैव रासायनिक क्रियाओं और उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में कुछ हानिकारक एवं उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा कुछ नाइट्रोजन के यौगिक। यानी हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा या जैव रासायनिक क्रियाएँ और उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन के यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सभी पदार्थ हमारे शरीर के लिए किसी ना किसी प्रकार से हानिकारक हैं, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं इन हानिकारक और उत्सर्जी पदार्थों को संचित नहीं करती हैं, इसलिए हमें इनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो हमारे शरीर में बनने वाले ये हानिकारक और उत्सर्जी पदार्थों को जो अंग यानी ये पदार्थ जिन विशेष अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं उन अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। यानी हमारे शरीर में बनने वाले अनेक प्रकार के या कुछ उत्सर्जी पदार्थ हानिकारक पदार्थों को जिन विशेष अंगों द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो उत्सर्जी अंग समझ में आया कि जैव रासायनिक क्रियाएं और उपापचय क्रियाओं के द्वारा बनने वाले हानिकारक पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के यौगिक, इन सभी को जिन विशेष अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, यानी मानव में उपस्थित प्रमुख उत्सर्जी अंग या मानव में उपस्थित उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, तो आपको बताने होते हैं। तो मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक जोड़ी वृक्क, यानी मानव में एक जोड़ी वृक्क यानी कि संख्या में दो वृक्क पाए जाते हैं जिन्हें हम किडनी कहते हैं। आप ये वृक्क नहीं समझ पाओगे, इंग्लिश में बहुत प्रचलित शब्द है किडनी, समझ रहे हो। तो मानव में एक जोड़ी वृक्क या किडनी पाए जाते हैं। किडनी का कार्य होता है अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जित करना, यानी अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जित करना। तो किडनी जो है हमारे शरीर में बनी हुई अमोनिया गैस को यूरिया में बदल देता है और यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर उत्सर्जित हो जाती है। अगर यूरिया हमारे शरीर में
यानी यूरिया में अमोनिया की मात्रा या अमोनिया कह सकते हो, हमारे शरीर में अमोनिया और यूरिया दोनों की मात्रा हमारे शरीर में अगर इकट्ठा हो जाएगी तो गठिया जैसा रोग उत्पन्न हो जाएगा, मानव में गठिया जैसा रोग। इसलिए किडनी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जित करता है, यानी अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जित करना। क्योंकि अमोनिया यूरिया में जब बदल जाती है तो वही यूरिया या यूरिक अम्ल मूत्र के माध्यम से, क्योंकि मूत्र एक द्रव पदार्थ होता है, बहने वाला होता है, तो उस मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर उत्सर्जित हो जाता है। इसके बाद फेफड़े यानी लंग्स। आपको पता है फेफड़े जो हैं वो मानव के प्रमुख श्वसनांग हैं। श्वसन अंग में फेफड़ों का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ये वातावरण की जो है वायु को शरीर में लेकर के ग्रहण करते हैं और श्वसन की क्रिया के बाद मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को निष्कासित करते हैं। क्योंकि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त की जाती है या निर्मुक्त की जाती है। तो फेफड़े जो शरीर में मानव के शरीर में प्रमुख श्वसनांग हैं, ये श्वसनांगों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, यानी फेफड़े मानव के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक विषैली गैस है, यानी इससे दम घुटने की संभावना रहती है, इसलिए इसको शरीर से निष्कासित करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद अगला हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग त्वचा है। प्रमुख उत्सर्जी अंग त्वचा है। त्वचा जो है स्किन हमारे शरीर से पसीने को निष्कासित करती है और उस पसीने में अनेक उत्सर्जी पदार्थ उपस्थित रहते हैं। तो त्वचा पसीने के साथ उत्सर्जी पदार्थ मुक्त करता है, यानी यह करती है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मानव के शरीर में उपस्थित जो बाह्य यानी अंग है आपका त्वचा, शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकालती है। इसके बाद अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट यकृत। यकृत का कार्य है अमीनो अम्लों को यूरिया में बदलता है, यानी यकृत अनेक प्रकार के जो शरीर में बनने वाले अमीनो अम्ल यानी अमीनो अम्ल जो बनते हैं उनको यकृत यूरिया में पहले बदलता है और वही यूरिया मूत्र में मिलकर के मूत्राशय से होती हुई शरीर के बाहर निकलती रहती है। इसके साथ साथ यकृत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब भी आपको जवाब देना होता है यकृत। और पूछा जाता है कि पित्तरस कहाँ बनता है, तो पित्तरस यकृत में बनता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है, यानी यकृत का कार्य है पित्तरस का निर्माण करना और पित्तरस यकृत में निर्मित होकर के पित्ताशय यानी कि गार्ड ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और यहाँ पर जो है उत्सर्जी अंग के रूप में यकृत का कार्य है अमीनो अम्लों को यूरिया में बदलना, और जब यकृत अमीनो अम्ल को यूरिया में बदल देता है तो ये यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर उत्सर्जित होती है। तो मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क, फेफड़े, त्वचा, यकृत। इसी के साथ एक और भी उत्सर्जी अंग होता है आपका इंस्टाइन यानी कि आंत। आंत भी है उत्सर्जी अंग, परंतु यहाँ पर चार लिखे हुए हैं, इतने ही इम्पॉर्टेंट बहुत पूछे जाते हैं इसलिए प्रमुख ही वहाँ पर लिखे गए हैं, आप पांचवा लिखना चाहना तो लिख लेना आंत। इसी के साथ आज का टॉपिक उत्सर्जी अंग और मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग समाप्त हुआ। आप इसको अच्छे से लिखना और पढ़ करके समझना।